की आज अपनी आशाएं हैं, नई पीढ़ी की अपनी सोच है। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम हर समाज की नई पीढ़ी की कैसे रक्षा करें, उनकी आशाएं, उनके स्वप्ने को कैसे पूरा करें। बहुत परिवर्तन हुआ है, 20 साल पहले का नौजवान और आज का नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान तो व्यवसाय के लिए तड़प रहा है, रोजगार के लिए तड़प रहा है। और ये मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है कि यही जो नई पीढ़ी है, हमारे नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। अभी जाति मतगणना की बात हुई, इससे मैं सहमत हूं। मैंने तो ये बहुत समय पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में जाति मतगणना होनी चाहिए। 55% हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, 55%, और आप 27% के लिए तड़प रहे हैं। ये इतना बड़ा अन्याय है। अभी बिहार में कल ही हाईकोर्ट ने रोक दिया, किस कारण रोका ये मैं नहीं जानता, पर जब हमने 27% आरक्षण दिया था, आपने कोई आंदोलन नहीं किया था, आपने कोई सम्मेलन नहीं किया था। ये हमारा वचन था, सामाजिक न्याय का वचन था। कोर्ट में गया मामला, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन गया कोर्ट में, जो व्यक्ति कोर्ट में गया उसका वकील कौन था? उसका वकील वो वकील था जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में एक पदाधिकारी है। ये कोर्ट में गया था, ये उसका वकील था। तो उनकी नियत आप समझ लीजिए, इनकी नियत पहचान लीजिए। ये कोर्ट को सामने रख लेंगे, जाति मतगणना होए, आरक्षण की बात होए, कोर्ट की शक्ल दिखा देंगे। आज हमें अपना देश पहचानना है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इनके धर्म है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो।